हेलो दोस्तों नमस्कार, मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की गतिविधियां। साथ ही बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की गतिविधियां और 24 घंटों के बाद राजस्थान में कैसा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के आसपास विकसित हुआ लो प्रेशर एरिया वर्तमान में कमजोर बनते हुए एक सर्कुलेशन के रूप में मध्य भारत के आसपास बना हुआ है। वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो नागपुर से पश्चिम और उंदेर से देखा जाए तो दक्षिण परिपूर्व की दिशा की ओर बना हुआ है। वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो एक कमजोर सर्कुलेशन के रूप में है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से भी इस सिस्टम को नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है और नई अरब सागरीय शाखा से आने वाली नमी का प्रभाव इस सिस्टम को मिल पा रहा है, क्योंकि सीधी सीधी हवाएं देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले कुछ ही घंटों के दौरान ये कमजोर होते हुए मानसून ट्रफ के साथ साथ उत्तरी हिमालय के तलेटी क्षेत्रों के आसपास पहुंच सकते हैं। मानसून ट्रफ की बात करें वर्तमान में मानसून ट्रफ का एक कमजोर प्रभाव राजस्थान के बीकानेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के आसपास से लगाकर कोटा संभाग के कई इलाकों से होती हुई इसी सर्कुलेशन से लगाकर पूर्वोत्तर भारत तक बनी है। जैसे ही मानसून ट्रफ का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो उत्तरी तलहटी क्षेत्रों के आसपास इन हिमालय क्षेत्रों के अंदर मानसून ट्रफ का विकास होने की संभावना है। मानसून ट्रफ के साथ साथ ये सर्कुलेशन भी उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा। राजस्थान के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों पर बनी स्थानीय मौसमी प्रणाली यानी सर्कुलेशन के प्रभाव से कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के अंदर मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिली। आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के कई जिलों में खंड बारिश की गतियां तो कुछ जिलों में तेज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती है। ये सर्कुलेशन वर्तमान में उत्तरी अरब सागर के आसपास बना है, जिसके प्रभाव से भी अरब सागरी शाखा से नमी का प्रभाव हल्का फ्लो राजस्थान के कई इलाकों तक देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ इलाकों में तेज तो कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां जरूर देखने को मिलेगी। आने वाले समय में देखा जाए तो अगले 5 दिनों तक बंगाल की खाड़ी के अंदर कोई नया सिस्टम विकसित नहीं होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान की इस बारिश के बाद कोई विशेष बारिश की गतियां देखने को नहीं मिल सकती। आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम, वर्तमान में सैटेलाइट इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस सर्कुलेशन के पास नमी मौजूद न होने के कारण और बंगाल सागरी शाखा से आने वाली नमी का प्रभाव उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के तराई क्षेत्रों में पहुंच चुका है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से घने बादल नजर आ रहे हैं। बाकी संपूर्ण मध्य भारत के आसपास देखा जाए वर्तमान में सुबह के समय कोई विशेष बादलों की गतिविधियां यानी ऊंचाई वाले बारिश के वाले बादल नहीं बने हुए हैं। जल्दी इन क्षेत्रों में बारिश वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया वर्तमान में ऊंचाई के आसपास ऊंचाई के स्तर पर झुका हुआ है और जल्दी लो प्रेशर एरिया हिमालय क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा। राजस्थान के आसपास के इलाकों की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियां हो सकती हैं। विशेषतः बारिश की गतियों की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां तो जयपुर संभाग के आसपास कहीं की हल्की बूंदाबांदी जैसी गतियां जरूर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतियां भी हो सकती हैं। श्री गंगानगर बीकानेर से लगाकर जैसलमेर के आसपास के इलाकों तक आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा और 24 घंटों के बाद से इन क्षेत्रों में हवा की गति में तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर से लगाकर भीनमाल, पाली, जालोर से लगाकर उदयपुर के आसपास के कई इलाकों में हल्की खंड बारिश की गतियां हो सकती हैं। सांसौर, सिरोही, आबूरोड, रानी, वाइड से लगाकर सोजीत, सोजत, देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, बिंदेर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाकों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां आने वाले 24 घंटों के अंदर देखने को मिलेगी। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, मंडलगढ़, देवगढ़, आसी से लगाकर जाजपुर, केकड़ी, ब्यावर, जैतरण तक देखा जाए तो कहीं कहीं इलाकों में खंड बारिश की गतियां तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतियां देखने को मिलेगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में भी आने वाले 24 घंटों तक आपको बारिश की गतियां खंड बारिश के रूप में तो ज्यादातर इलाकों में कहीं कहीं मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। केकड़ी, सवाईमाधोपुर, टोंक, बंदौली से लगाकर गंगपुर, साक्षू, जयपुर, फुलेरा के आसपास भी कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां देखने को मिलेगी तो बीच बीच में कई इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। महुआ, भरतपुर के आसपास के इलाकों की बात करें तो धौलपुर की अलवर तक देखा जाए तो कहीं कहीं इलाकों में खंड बारिश की गतियां जरूर देखने को मिलेगी, परंतु ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा।
सीकर सिलाकाकर सुजानगढ़ डीडवाना झुंझुनू श्री माधेपुर सिलाकाकर मकराना सुजान श्रीनूरगढ़ छरदासर सुरू राजगढ़ लोहारू लोनकरनसर पल्लू नौर भादरा के आसपास के इलाकों में आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। कोई विशेष बादलों की गतिविधियां भी देखने को नहीं मिलेगी और कहीं कहीं हल्की भखंड वर्ष की गतिविधियां एक दो इलाकों में स्थानीय मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। खाजवाला सुरजा रंजितपुरा बीकानेर सिलाकाकर नोखा खिंडसर के आसपास के इलाकों में हल्की खंड वर्ष की गतिविधियां भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। फलोदी पोखरण तक देखा जाए तो इन क्षेत्रों में हल्के बादलों का निर्माण हो सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कई इलाकों में इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर सिलाकाकर पाली बालोतरा के मध्य क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां तो ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। विशेषतः बात करें तो आज से राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी और कल से संपूर्ण राजस्थान के अंदर मौसम मुख्यतः साफ देखने को मिल सकता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अगले एक दो तीन दिनों तक लगातार जारी रह सकती हैं। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अभी इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।